नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर में मूल निवासी फाउंडेशन द्वारा 2 अप्रैल से 7 अप्रैल तक खेल कूद का आयोजन। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान और मोहम्मद फेरोज खान ने कीर्ति गणेश से मुलाकात की। कर्नाटका में उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में कांग्रेस को देरी का सामना करना पड़ रहा है। शीर्ष नेता रिश्तेदारों के लिए पैरवी करते हैं। कर्नाटका के मंत्री ने कहा, मोदी के नारे लगाने वाले युवाओं को थप्पड़ मारो, बीजेपी ने किया पलटवार। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, एक्शन देने की मांग। अधीर रंजन चौधरी ने दिया बड़ा बयान, कहा वरुण गांधी की छवि साफ सुथरी, कांग्रेस में आए तो खुशी होगी। अब समाचार विस्तार से। बीदर में मूल निवासी फाउंडेशन द्वारा 2 अप्रैल से 7 अप्रैल तक जिले में विभिन्न खेलों का आयोजन किया जा रहा है। यह स्पोर्ट्स इवेंट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती उत्सव के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। जो खेलकूद में रुचि रखते हैं वह अपना नाम पंजीकरण 31 मार्च तक करा सकते हैं। आज बीदर शहर के अम्बेडकर चौक पर फाउंडेशन द्वारा पोस्टर रिलीज किया गया। इस अवसर पर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष विठल दास पैंगे, विनोद अप्पे सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। हमारे बीदर सिटी में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साहब के चौक के पास हमारे मूल निवासी फाउंडेशन की तरफ से बीदर में 2 तारीख से 7 तारीख अप्रैल महीने में आज बृहत एक बड़ा स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन किया है। इस मूल निवासी फाउंडेशन की वजह से आज बड़े बड़े स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज किया गया है। क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, कुश्ती है और कबड्डी और रनिंग है। इस स्पोर्ट्स को आप लोग हमारे पूरे स्पोर्ट्समैन बीदर के सभी ओपन टू ऑल है, सभी लोग आके इस स्पोर्ट्स को आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। यही महीना 31 मार्च को ये स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। सभी लोग अपने अपने स्पोर्ट्स इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स 31 के अंदर आप लोग अपना अपना स्पोर्ट्स रजिस्ट्रेशन करिए बोलकर आज हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम लोग आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं। आज हमारे साथ हमारे विठल दास पैगे सर हैं, उन लोग भी बात करते हैं। बड़े पैमाने पे स्पोर्ट्स इवेंट होने जा रहा है। ये विश्वज्ञानी भारत रत्न संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके जन्मदिन के उपलक्ष में ये बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट होने जा रहा है। ये 2 अप्रैल से 7 अप्रैल तक यहीं पे स्टेडियम में होने जा रहा है। इसमें वॉलीबॉल रहेगा, क्रिकेट रहेगा, एथलेटिक्स रहेंगे। ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ಇವತ್ತು ಮೂಲ ನಿವಾಸ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಬೃಹತ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇನೆ, ನಮ್ಮ ಜನ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನ ಆಗಿರಲಿ, ಬಡವರ ಜನ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಬೇಕದನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಯಾರಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಹಿರಿಯರಾದ ಟ್ಯಾಗೆ ಸರರು ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ಅಣ್ಣವರು, ವಿನೋದ್ ಬಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ಮಾಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಮೀಟರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಿಂದನೇ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಇವತ್ತಿನ ಹಿಡಿದ ಈ ಅಡ್ಮಿಷನನ್ನು ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 31 ತಾರೀಕು ಆಗಿರ್ತದೆ। ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಡೋರಿಗೆ ತಾವು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ। ನಮಸ್ಕಾರ। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फेरोज खान ने डी देवराज अरस पिछड़ा विकास निगम के अध्यक्ष कीर्ति गणेश से बेंगलुरु में उनके कार्यालय पर उनसे मुलाकात कर उन्हें सम्मान किया। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं समाजसेवी डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने कीर्ति गणेश से मुलाकात कर उन्हें सम्मान किया। कर्नाटका के शेष 4 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा में देरी हो रही है, जिसमें आंतरिक गतिशीलता और लॉबिंग प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के एच मुनियप्पा के अपने दामाद चिक्का पेद्दप्पा को कोला निर्वाचन क्षेत्र से नामांकित करने की जिद ने देरी में योगदान दिया है।
इसी तरह समाज कल्याण मंत्री एचसी महादेवप्पा चामराजनगर से अपने बेटे सुनील बोस की उम्मीदवारी की वकालत कर रहे हैं। पार्टी बीजेपी जेडीएस की गतिशीलता पर बारीकी से नजर रख रही है और अपनी सूची को अंतरिम रूप देने से पहले विशेष रूप से कोलार के लिए उनके उम्मीदवारों की घोषणा का इंतजार कर रही है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार स्थानीय विधायकों के विरोध का सामना करने के बावजूद दोनों मंत्रियों की पैरवी के प्रयास जारी है। कर्नाटका के मंत्री शिवराज तंगदागी ने मोदी मोदी के नारे लगाने वाले युवाओं या छात्रों को थप्पड़ मारने की बात कहकर एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। इस टिप्पणी की भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आलोचना की है। कोप्पल जिले के करादगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव में वोट मांगने में शर्म आनी चाहिए क्योंकि वह विकास के मोर्चे पर विफल रही है। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वे किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं। वे एक भी विकास कार्य करने में अक्षम हैं। उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। क्या उन्होंने किसी को नौकरी दी? जब उनसे नौकरी मांगी जाती है तो वे कहते हैं पकोड़े बेचे। अगर कोई छात्र या युवा अभी भी मोदी मोदी नारे लगाता है तो उन्हें थप्पड़ मारना चाहिए। किसी को शर्म आनी चाहिए। क्या यह छोटी बात है? उन्होंने एक सवाल में 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। अब 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी अब 10 वर्षों में। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को राज्य मंत्री शिवराज तंगदागी के मोदी समर्थन नारों पर विवादास्पद बयान पर पलटवार किया और कहा कि राज्य के लोग मतदान के माध्यम से कांग्रेस नेताओं को थप्पड़ मारेंगे। तंगदागी ने सोमवार को यह कहकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया कि मोदी मोदी के नारे लगाने वाले युवाओं और छात्रों को थप्पड़ मारा जाना चाहिए। इसी बयान पर विपक्षी पार्टी की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं आई, जिस पर पूर्व सीएम ने कहा थोड़ा इंतजार करें, लोग वोटिंग के जरिए कांग्रेस पार्टी को थप्पड़ मारेंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत पर कार्यवाही की मांग को लेकर बीजेपी चुनाव आयोग पहुंच गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, ओम पाठक और संजय मयूख चुनाव आयोग पहुंचकर कांग्रेस नेता की शिकायत की है। बीजेपी के अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी चुनाव आयोग से कांग्रेस नेता के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। सुप्रिया श्रीनेत ने मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनावत पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप लगाया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि रनावत के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की अपमानजनक टिप्पणियों की कानूनी जांच की जाएगी। कांग्रेस नेता की टिप्पणी की निंदा करते हुए ठाकुर ने एक बयान में कहा कि उन्होंने बड़ी गलती की है क्योंकि लोग आस्था के साथ छोटी काशी और 300 से अधिक मंदिरों वाले स्थान मंडी में आते हैं। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं, सियासी हलचल उतनी ही तेज होती जा रही है। इसी बीच बीजेपी नेता वरुण गांधी को लेकर अधीर रंजन चौधरी का एक बड़ा बयान सामने आया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वरुण गांधी की छवि साफ सुथरी है, उनको कांग्रेस में आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वे कांग्रेस में आते हैं तो खुशी होगी। बता दें कि भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव में इस बार पीलीभीत सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को अपने 111 उम्मीदवारों की नई सूची जारी की थी। इस सूची में पीलीभीत के वरुण गांधी का टिकट काटकर उनकी जगह पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को उतारा गया है। हालांकि पार्टी ने सुल्तानपुर से वरुण की मां मेनका गांधी पर एक बार फिर भरोसा जताया है। वरुण गांधी पिछले कुछ सालों से पार्टी के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे थे, जिसके बाद उनका टिकट कटना तय माना जा रहा था। रविवार को आई बीजेपी की लिस्ट ने टिकट कटने के प्रयासों पर मुहर भी लगा दी है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में तुरंत सुनवाई करने की अपील की थी, जिस पर कल यानी 27 मार्च को सुनवाई होगी। अपनी गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट से तत्काल सुनवाई करने की गुहार लगाई थी। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और 22 मार्च 2024 को ट्रायल कोर्ट की ओर से पारित रिमांड के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल की दलील है कि
गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश दोनों अवैध है और वह तुरंत ईडी की हिरासत से रिहा होने के हकदार है। इसे लेकर केजरीवाल ने कोर्ट से रविवार 24 मार्च को तत्काल सुनवाई की मांग की थी, जिस पर अब 27 मार्च को सुनवाई होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की कार्यवाही और कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद हाईकोर्ट पहुंचे। कल यानी 27 मार्च को इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ करेगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं। इतिहाद ए मिल्लत काउंसिल आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को देर शाम हार्ट अटैक आया था। इसके बाद उनके परिजनों ने उन्हें बरेली के एक अस्पताल में भर्ती कराया, मगर उनकी तबीयत में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। सोमवार की सुबह अचानक मौलाना तौकीर रजा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इसके बाद तौकीर रजा को दिल्ली रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मौलाना तौकीर रजा हार्ट के मरीज हैं और पिछले साल ही उनके हार्ट में रिंग पड़ चुका है। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा 2 मार्च 2010 में बरेली में हुए दंगों के आरोपी हैं। इस मामले के संबंध में मौलाना को 27 मार्च 2024 को बरेली कोर्ट में सरेंडर करना था, मगर उससे पहले ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। प्रतिष्ठित लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंसेज LSE से पीएचडी कर रही नीति आयोग की एक पूर्व कर्मचारी की लंदन में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक का नाम 33 साल की चेष्टा कोचर बताया जा रहा है। चेष्टा के साथ यह हादसा तब हुआ जब वह यूनिवर्सिटी से साइकिल से अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। वह पिछले साल ही गुरुग्राम से लंदन आई थी और तब से व्यवहार संबंधी शोध कर रही थी। कोचर के पिता ने उनकी मृत्यु की खबर ऑनलाइन माध्यम से साझा की। हालांकि मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने पीड़िता के नाम की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। जानकारी मिली है कि यह दुर्घटना 19 मार्च शाम फरिंगडन रोड के चौराहे के पास क्लर्केनलवे रोड पर हुई है। पुलिस ने बयान में कहा कि 33 वर्षीय एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई। आपात सेवाओं की कोशिशों के बावजूद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनके निकट परिजन को सूचित कर दिया गया है। बयान में कहा गया है कि लॉरी को मौके पर रोक दिया गया और उसका चालक पूछताछ में पुलिस के साथ सहयोग कर रहा है। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है और जांच अभी जारी है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में मूल निवासी फाउंडेशन द्वारा 2 अप्रैल से 7 अप्रैल तक खेल कूद का आयोजन। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान और मोहम्मद फेरोज खान ने कीर्ति गणेश से मुलाकात की। कर्नाटका में उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में कांग्रेस को देरी का सामना करना पड़ रहा है। शीर्ष नेता रिश्तेदारों के लिए पैरवी करते हैं। कर्नाटका के मंत्री ने कहा, मोदी के नारे लगाने वाले युवाओं को थप्पड़ मारो, बीजेपी ने किया पलटवार। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, एक्शन देने की मांग। अधीर रंजन चौधरी ने दिया बड़ा बयान, कहा वरुण गांधी की छवि साफ सुथरी, कांग्रेस में आए तो खुशी होगी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।